नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं आपका दोस्त रुद्र दामन। दोस्तों, समय पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। आज मैं आपके सामने भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ, जिनके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो इनका एक खंड है इतिहास खंड को मैं पहले की वीडियो में डाल चुका हूँ। आज हम बात करेंगे चिंतन खंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम इस किताब के इस खंड के बारे में चर्चा करते हैं। 19वीं सदी भूमि का युग था। जिसके पास भूमि थी वह सबसे अधिक शक्तिशाली था। 20वीं सदी पूंजी का युग था। जिसके पास पूंजी थी वह सबसे अधिक शक्तिशाली था। 21वीं सदी ज्ञान का युग है। जिसके पास ज्ञान है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस ज्ञान युग का महाभारत शस्त्र से नहीं स्याही से लड़ा जाएगा। दूसरी बात है श्रमेव जयते। एक भैंस का पालन पोषण अथवा एक बीघा जमीन की खेती आपके दिमाग को कुंद करने और आपके सौंदर्य को वधसूरत करने के लिए काफी है। भैंस का पालन पोषण, सुबह जागो, बथान की साफ सफाई, गोबर मूत उठाओ, नान साफ करो, चारा काटो, भूसा ढो, खरी दाल जुटाओ, पगहा छान, गर्दाब बनाओ, भैंस को खिलाओ पिलाओ, एक बार नहीं बार बार नहलाओ, भैंस जब सोएगी तब सो जाओ, जागेगी तब जग जाओ, तुम्हें सोने का वक्त नहीं, समाज देश कुछ याद नहीं, यूं ही जीवन रीत जाएगा, दूध भी नहीं मिलेगा, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, दूध पीने तो दिमागी आदमी आएगा, भेष बनाएंगे, ढोंग रचाएंगे, खांख में अखबार दबाए, टीका लगाए, दाढ़ी बदाए, जाने कैसे रूप बनाए, वह कई टिकडमों से 100 रुपए लाएगा और तुम्हारे सभी दूध खरीद कर पी जाएगा। दिमागी आदमी भैंस नहीं पालता, वह सिर्फ दूध पीता है। दूध से दिमाग बढ़ता है और सौंदर्य निखरता है। यह सौंदर्य निखार गया तो हीरो हीरोइन करोड़ों की कमाई, यदि दिमाग बढ़ गया तो नेता अथवा देश का शासक, वह बोलेगा। परिश्रम ही देश को महान बनाता है। ऊंची जातियों के प्रति आपका अनावश्यक और अति रंजित आकर्षण नीच जाति में आपके पैदा होने की सामाजिक हीनता की क्षतिपूर्ति का परिणाम है। चौथी बात, आरक्षण और एकल पद घोर मट्ठा। यदि भारत में कुल मिलाकर 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और उनमें कुलपतियों को नियुक्त करने वाला नियुक्ता एक है, तो उसके विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। यदि बिहार में कुल मिलाकर 13 राज्य विश्वविद्यालय हैं और उनमें कुलपतियों को नियुक्त करने वाला नियुक्ता एक है, तो उसके विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। आरक्षण और एकल पद का गड़मड़ करके कुलपतियों की नियुक्तियों में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों का ये उल्लंघन है। कॉलेजों में भी तो प्रिंसिपल का पद एकल है, पर यदि कोई विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति करता है तो वह आरक्षण का प्रावधान करता है। जैसे कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद एकल पद नहीं है, वैसे ही विश्वविद्यालयों में भी कुलपति का पद भी एकल नहीं है। इसलिए केंद्र को केंद्रीय विद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए और विभिन्न राज्यों को भी अपने अधीनस्थ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। जब भारत में कुलपति ही आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन करके नियुक्त होंगे, तब वे अपने अपने विश्वविद्यालय में क्यों और कैसे करेंगे आरक्षण के प्रावधानों का संरक्षण। पांचवा है आरक्षण। भर गांव की भौजाई, जो जहां पाया वही छेड़खानी कर बैठा, दिन दोपहर रात। एक कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं देंगे, दूसरा कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे, तीसरा कहता है कि एकल पद पर आरक्षण नहीं देंगे, चौथा कहता है कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण नहीं देंगे, पांचवा कहता है कि न्यायिक सेवाओं में आरक्षण नहीं देंगे, छठा, सातवां और ग्यारहवां भी इसे छेड़ता है।
ताना मारता है। बारवा कहता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं देंगे। कोई कहता है कि इसे 50% में थर्ड जेंडर को भी ले आओ। कोई कहता है कि विकलांग को भी इसी में शामिल कर लो। कोई कहता है कि महिला और आर्थिक रूप से कमजोरों को भी इसी में जोड़ दो। कोई कहता है कि आरक्षण की मांग कर रही अन्य जातियों को भी इसी 50% में सूचीबद्ध कर लो। मन केकर केकर राखी अकेल जियरा, आरक्षण के पहरूप चुप हैं, सभी चुप हैं, अब क्या करे आरक्षण, किस पर करे सिंगार, का पर करू सिंगार, पिया मोरे आहार। छठा है, भारत में शूद्र अति शूद्र और आदिवासी युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी जा रही है। नक्सली आंदोलन के शूद्र अति शूद्र और आदिवासी समाज के युवा पुलिस विभाग में कांस्टेबल, शूद्र अति शूद्र और आदिवासी समाज के युवा। पुलिस नक्सली मुठभेड़ दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं, शूद्र अति शूद्र और आदिवासी समाज के युवा। तेज तर्रार ऊर्जावान, बहुजन समाज का वह हिस्सा, वह युवा वर्ग जो सर्वाधिक ऊर्जावान है, संभावनाशील, जिसमें समाज को बदल देने की ताकत है। फेसबुक पर दिलीप मंडल के होने का मतलब विमर्शों की बेजोड़ जोर आजमाइश। बाघ कौशल, बाघ पटुता, बाघ प्रहार से लेकर बाघ स्वतंत्रता और बाघ संयम तक की अद्भुत मिसाल। यही खुलती है मुंह बाएं, आंखें तेरी तेरी और मुट्ठी बांधे अनेक मुद्दों की मुट्ठियां। बड़े बड़े ग्रंथों को कांख में दाबे बड़े बड़े लिखेरे, उद्धरण और वाक्रोक्तियों तर्क की तनी तलवारें, एक दूसरे को काटते छूटे तर्क। दर्शन मिथक इतिहास और इतिहास से बड़े बड़े राजवंशों के उखड़ते अतिरंजित पांव। अनेक सुलझती हैं यहाँ सठियाई कुंठित गुंथिया। आरक्षण, मीडिया और लोकतंत्र, समकालीन समाज और अनेक मुद्दे। सैकड़ों दृष्टों, सैकड़ों सहभागी, कुछ लड़े, कुछ किनारे और कुछ चुप। तथ्यों का कई कई कोणों से मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष, निष्पत्तियां, अनेक निर्णित, कुछ एक निर्णोमुख। दिलीप मंडल के होने का मतलब शोषित इसलिए भी है कि आप शोषण के तरीके, औजार और उसके पेचीदे तकनीक को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। जब तक आप शोषण के कुछ स्थूल तरीके, औजार और उसके पेचीदे तकनीक को समझ पाते हैं, तब तक शोषक वर्ग शोषण के नए क्षेत्र तथा सूक्ष्म तरीके, बेहतर औजार और उससे भी पेचीदे तकनीक को खोज करके विकसित कर लेता है और फिर शोषक चक्र जारी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि शोषितों को अपने मस्तिष्क के ज्ञान स्तर को शोषकों के मस्तिष्क के ज्ञान स्तर तक कम से कम ले जाना होगा। भारत के लोकतंत्र में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब कोई जेल में बंद तथाकथित अपराधी या नक्सली जनप्रतिनिधि हो जाया करता है। कानून की नजर में जो अपराधी है, वह जनता की नजर में योग्य होकर जनप्रतिनिधि कैसे हो जाता है, या फिर कानून की नजर में जो नक्सली है उसे ही जनता से आंखों पर बिठाकर जनप्रतिनिधि क्यों बना देती है? कुछ तो बात है। तब माना जाएगा कि कानून की नजर में और जनता की नजर में फर्क है, दोनों में से कोई एक नजर मोतियाबिंद का शिकार है। आप पहचानेंगे कि मोतियाबिंद का शिकार कौन है, जनता अथवा कानून। आप जो संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ उठाकर लाए महाराज, जाति की जनगणना करनी है न कि गोत्र वगैरह की, सब मिलाकर 46 लाख बता दिए। 46 लाख तो पेड़ पौधे की भी जाति नहीं है, 84 लाख योनि तक पहुंचाइएगा क्या? तब तो जाति जनगणना का जीव 84 लाख योनि में ही भटकता रह जाएगा। ये उपजाति क्या है महाराज? महाजाति की बात कीजिए। खटिकों का पैसा कुंजड़ों के समान है, कुंजड़ों का पैसा तुरहों के समान है और तुरहों का पैसा खटिकों के समान है। महाजाति बनाइए महाराज, फिर आपको 46 लाख का आंकड़ा 6000 से भी कम हो जाएगा। बहुत बांट लिए, अब कितना बांटिएगा? उलझाइए मत। उलझाइएगा भी तो ये दबी कुचली जाति क्या कर लेंगी? 14 वर्षों तक तो यहाँ काट का एक जोड़ी खड़ाऊ शासन किया, कोई बोला भी क्या? नहीं ना।
दलितों की बस्ती में घूमते हुए सभी घर मिट्टी के, पक्का का चौरा, मिट्टी की दीवारों पर सटे पोस्टर, हाथी और बंगला विरोधाभास है। सपना में सूर्पनखा, बैसरवा का घर, आंगन में चहल पहल, बाहर में जश्न, आज बेहद सुंदर सलोनी सूर्पनखा की शादी है। विदाई की बेला, गम का माहौल, पिता की आंसू भरी आंखें, माँ के रोए छाया अंधकार, भैया के रोए चरण धोती भीजे, बेटी सूर्पनखा झोंडी पर खड़ी है, भले ही देवडिया धैले ढाट रे। बेटी का उदास मन देख पिता ने पूछा कि हे बेटी, मैंने तुम्हारी शादी में कोई चूक की क्या, क्यों उदास है? सूर्पनखा रो पड़ी और बोली, हे पिताजी, आपसे कोई चूक नहीं हुई, किंतु आपने मेरा नाम सूर्पनखा क्यों रखा? सूप जैसे नखों वाला। पिता ने कहा, मैंने तो तेरा नाम चंद्रनखा रखा था बेटा, चांद जैसा बर्तुलाकार और चमत्कार नखों वाले, राम पक्ष के लोगों ने बिगाड़ा है। तेरा नाम है जिसके पास साहित्य और शास्त्र का बल है, वह ऐसे ही बिगाड़ता है विपक्षियों का नाम। बगल में रोती भाई कुंभकर्ण के मन में आया भाव कि मेरा भी नाम विपक्षियों ने बिगाड़ा है क्या? आखिर कोई पिता क्यों रखेगा अपनी संतान का ऐसा नाम कुंभकर्ण, अर्थात कुंभों की तरह कानों वाला। तो सूर्पनखा अर्थात सूप की तरह नखों वाले। भारत में अंधविश्वासों का तेजी से अतार्किक वैज्ञानिकरण है रहा है। मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि यज्ञ के धुओं से वातावरण स्वच्छ होता है। अरे भाई, कुछ भी जले, घी या चंदन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही। बताया यह भी जाता है कि पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा होती है। अरे भाई, कोई भी पेड़ है, तुलसी या पीपल, रात को कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा। शिखा रखने और जनेऊ धारण से लेकर उत्तर सिरहाना करके सेन तथा दक्षिण दिशा में मुंह करके खाने की मनाई तक की कुतार्किक व्याख्या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। ठीक ऐसे ही भारत के कई प्राचीन द्विजो लेखकों का तेजी से अतार्किक बहुजनीकरण भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर वेद व्यास और वाल्मीकि से लेकर कालिदास तक बहुजन समाज के साबित किए जा चुके हैं, तथा अब वो दिन दूर नहीं जब तुलसीदासी बहुजन समाज के कवि साबित किए जाएंगे। भोजपुरी प्रदेश के गांव में शूद्र अति शूद्र की बस्ती तो दक्षिण ही होती है, उत्तर में शमशान घाट होता है, पूर्व में काली स्थान। संभव है कि कहीं इसका अपवाद भी होगा, किंतु भोजपुरी गांवों की अमूमन बुनावट यही है। शूद्र अति शूद्र से दक्षिणा का संबंध शायद खुल गया होगा। आप समाज में पहले उन अंधविश्वास को याद करें कि दक्षिण की ओर मुंह करके नहीं खाया जाता। शायद अब इसका भी रहस्य खुल गया होगा कि दक्षिण की ओर मुंह करके क्यों नहीं खाया जाता है। इसलिए कि गांवों में दक्षिण की ओर शूद्र अति शूद्र विशेषकर चमार जाति के लोग बसाए जाते हैं, और मरे हुए जानवर की खाल उतारने का काम भी गांव के दक्षिण में ही किया जाता है। एक और परंपरा को आप याद कर सकते हैं कि उत्तर सराहना करके नहीं सोना चाहिए, इसका रहस्य भी इसी में छिपा हुआ है। यदि उत्तर सिहारना करते हैं तो आपकी नाक की दिशा दक्षिण होगी, और फिर जब नाक तथा मुंह की दिशा दक्षिण होगी तब श्वास भी आप उधर से ही लेंगे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसलिए दक्षिण की ओर नाक और मुंह करके खाने और सोने की मनाही करती रही है कि दक्षिण हवा में मरे हुए जानवरों और शूद्र अति शूद्र की गंदी बस्तियों की दुर्गंध आती है। ध्यानतब्य की ऐसी व्याख्या प्याय तरल हुआ करती है। शोषक वर्ग जो लिखता है और बोलता है वह शोषकों के पक्ष में होता है, वह जो नहीं लिखता और बोलता है वही शोषितों के पक्ष में होता है। इसलिए शोषक वर्ग जो लिखता है और बोलता है वह शोषितों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, वह जो नहीं लिखता और बोलता है वही शोषितों के लिए महत्वपूर्ण है। शोषक वर्ग ने जिसे महत्वपूर्ण बताया वही शोषितों के लिए गैर महत्वपूर्ण है, और शोषक वर्ग के लिखे साहित्य इतिहास एवं दर्शे जहां चुप हैं वही शोषित वर्ग मौजूद है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के वेदांतवाद और मायावाद का खंडन, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्धात
द्वैतवाद और द्वैता, द्वैतवाद और द्वैत, सभी ब्राह्मणवादी दर्शन, सभी ब्राह्मण और सभी की भाषा संस्कृत। रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी, निम्बकार स्वामी और माध्वाचार्य सभी दक्षिण ब्राह्मण, एक दक्षिण के नम्बूदरी ब्राह्मण शंकराचार्य के कदे को घुमा फिराकर ऊंचा करते हैं। मध्यकाल में ब्राह्मणवादी दर्शनों की भीड़, किसी ने षड्यंत्र पूर्वक कहा है कि शंकराचार्य प्रचंड बौद्ध थे, तो पढ़िए बौद्ध दर्शन का ब्राह्मणवादी पाठ। ये कैसा दर्शन और सिद्धांत है कि किसी ने जीव की स्थिति में सत्य की भावना उपस्थित की, किसी ने स्वतंत्र ब्रह्मा के अधीन जीव को परतंत्र माना और किसी ने ब्रह्मा के आगे जीव की स्वतंत्र सत्ता ही नकार दिया। सभी दार्शनिक सिर्फ दर्शन के नाम पर आपस में बटे हुए हैं, जाति के नाम पर सभी एक हैं, सभी ने ब्राह्मण जाति को सभी जातियों में श्रेष्ठ माना है। रक्षाबंधन का विरोधाभास। सुना है कि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का द्योतक त्योहार है, फिर ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के हाथ में क्यों बांधते हैं पीले रंग में रंगा हुआ सूत की राखी? ब्राह्मण क्या वहन है कि वे अपने भाई यजमान के हाथ में राखी बांधते हैं? यदि ब्राह्मण अपने यजमान की रक्षा हेतु अपने हाथ में राखी बांधते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन भाई को भी अपनी बहन की रक्षा हेतु उसके हाथ में राखी बांधनी चाहिए। मगर यहाँ तो बहन ही भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है। आपको कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? भारत की जाति व्यवस्था अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, जिसमें आप घुस तो सकते हैं मगर बाहर नहीं निकल सकते। भारत का बहुजन इतिहास उस आइसबर्ग की भांति है जिसका अल्पांश 1/9 भाग जल के ऊपर दिखाई पड़ता है और अधिकांश 8/9 भाग जल के नीचे डूबा हुआ। उत्तर भारत में एक खड़ेश्वरी साधुओं की परंपरा रही है। ये साधु एक टांग पर खड़े होकर और दूसरी टांग की एड़ी पहली टांग के घुटने पर टिकाए कुछ दिन तक खड़े रहते हैं और यहाँ की श्रद्धालु जनता उनकी ऐसी साधना को देखकर श्रद्धा भाव से पैसे, अन्य नाना प्रकार का चढ़ावा अर्पित करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अफ्रीका के जुलू लोग जो एक टांग पर खड़े होकर और दूसरी टांग की एड़ी पहली टांग के घुटने पर टिकाए आराम ही करते हैं, वहां तो सभी के लिए खड़ेश्वर साधु ही हैं। इन्हें कोई पैसे, अन्य एवं नाना प्रकार का चढ़ावा अर्पित करता है क्या? कोई नहीं। भारत में संभव नहीं। जाति प्रथा की समस्या तभी हल होगा, सच्चा घर घर में जन्म लेगा बिना जाति का बच्चा। अंधविश्वास आपको नहीं पकड़ा है, वह तो निर्जीव है। आप अंधविश्वास को पकड़े हैं, छोड़िए तो छूट जाएगा। आश्चर्य के बिना हाथ वाले ही हाथ वाले को पकड़ लिया है। सूर्य न कभी डूबता है और न कभी उगता है, यह हमारी दृष्टि की सीमा है, तथा इस दृष्टि सीमा से बाहर निकल जाना ही कोई क्रांत दृष्टा नहीं दृष्टि दे जाता है। यदि मंदिर पूजा स्थल है और यहाँ पूजा का उद्देश्य शांति की प्राप्ति है, तो मंदिर को शांत क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के नजरिए से मंदिर अशांत क्षेत्र है। धर्म, टोना, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, ताबीज जैसे सामाजिक तत्व 21वीं सदी में मानव की आदिम सभ्यता के अवशेष हैं। ऐसे तत्वों पर विशेष बल देना आधुनिक मानव का एक प्रकार से आखिर युग में लौटना है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा, भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित इस किताब का एक मैंने खंडन चिंतन खंड को आपके सामने रखा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से मेरा मनोबल बढ़ता है और इसी प्रकार की किताबों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त रुद्र दामन को विदा दीजिए।